नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। शायर लुधियानवी ने लिखा है, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। देखिए संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की खास रिपोर्ट। वीर सपूत सीडीएस जनरल विपिन रावत को न्यूज 20 इंडिया परिवार अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज हम आपको उनके सीडीएस बनने तक के सफर से कराएंगे रूबरू। तमिलनाडु के कुन्नूर से एक बड़ी दुखद खबर सामने आई। कुन्नूर के घने जंगलों में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उस हेलीकॉप्टर में सवार थे देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत और साथ में थी उनकी पत्नी मधुलिका रावत। इस हादसे में भारत ने अपने पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ को खो दिया। 63 वर्षीय जनरल रावत उत्तराखंड के उस परिवार से ताल्लुक रखते थे जो कई पीढ़ियों से सेना में शामिल हो रहा था। उनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे। दरअसल रावत के परिवार की परंपरा हमेशा सेना में जाने की रही है। रावत की शिक्षा देहरादून में कैमरिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट हेडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से हुई। उनकी पत्नी मधुलिका मध्य प्रदेश जिले के शहडोल से ताल्लुक रखती थी। इस हादसे में उनका भी निधन हो गया। वे आर्मी वाई वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि AWWA की अध्यक्ष भी थी। AWWA सेना की पत्नियों, बच्चों, सेना कार्मिकों के आश्रितों के कल्याण के लिए काम करने वाली नोडल संस्था है। आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी कृतिका कुछ समय पहले मुंबई में शादी हुई है, जबकि छोटी बेटी तारिणी पढ़ाई के साथ वकीलात कर रही है। खैर, जनरल आर्मी करियर की बात करें तो काफी शानदार रहा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें पहला सम्मान पत्र मिला, जो सोडार्फ से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करने का मन बनाया और वह अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने सर्विस स्टाफ कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, साथ में उन्होंने हाई कमान कोर्स भी किया। अमेरिका से वापस भारत आने के बाद उन्होंने आर्मी में शामिल होने का मन बनाया। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता 16 दिसंबर 1978 में मिली। उन्हें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया। यहीं से शुरू हुआ बिपिन रावत का सैन्य सफर। बिपिन रावत ने भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं दी है। वे कांगो के यूएन मिशन के भागीदार थे। यहाँ उन्होंने 7,000 लोगों की जान बचाई थी। सेना में रहते हुए जनरल को बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, साथ ही उन्हें कई मेडल भी मिले। 31 दिसंबर 2016 को रावत को सेना का प्रमुख बनाया गया। यह पद उनके जीवन का अहम पद था रहा। इस पद पर आने के बाद उन्हें पूरे भारत में खास पहचान मिली और वे भारतीय सेना के 27वें सेना प्रमुख बने। 31 दिसंबर 2019 को इस पद से रिटायर हुए और देश के पहले सीडीएस पद के अधिकारी के रूप में कमान संभाली। जनरल विपिन रावत एक अच्छे लेखक और वक्ता के रूप में भी जाने जाते थे। उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होते थे। वे भारतीय राजनीति पर अनेक तरह के कटाक्ष भी लिखते थे। जनरल विपिन रावत भारत को जैविक युद्ध के लिए तैयार करना चाहते थे। जनरल विपिन रावत का यूं चले जाना देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। रक्षा प्रमुख के तौर पर उन्हें हमेशा देश की जनता याद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 20 इंडिया। नमस्कार।